हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, एंड दैट इज व्हाट जीएसटी, एंड दैट इज व्हाट जीएसटी। और ऑलरेडी हमने इसके बारे में कई बारी सुन लिया होगा। हमारे कंट्री के टैक्स स्ट्रक्चर में, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में, जो एक मेजर रिफॉर्म आया है रिसेंट टाइम में, तो वो क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दैट्स डेफिनेटली, दैट इज व्हाट जीएसटी। ठीक है, तो आज यही टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम इसकी बेसिक्स और इसके कंप्यूटेशंस को समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी जीएसटी में कई सारे मेजर टॉपिक हैं जो हमें समझने हैं आने वाली क्लासेस में। रजिस्ट्रेशन है, सप्लाई है, एग्जेम्प्टेड गुड्स है, और सबसे मेन है इनकम टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि भाई जो आपका जीएसटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो दायरा है वही समझना है। ठीक है, कि जीएसटी बेसिकली है क्या। तो देखो, जो जीएसटी से पहले का सिनेरियो है, इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं, तो उसमें आपने देखा होगा, आपने जो एक्साइज ड्यूटी है उसके बारे में सुना होगा, आपने वैट के बारे में सुना होगा, आपने एंटरटेनमेंट टैक्स के बारे में सुना होगा, डेफिनेटली सर्विस टैक्स के बारे में सुना होगा। तो कई सारे बहुत तरह के आपके इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते हैं, करते थे। ठीक है, अभी भी हैं, कुछ दायरा है अभी भी, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली टैक्स का पर्पस क्या है? गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाती है अपनी रिसीट्स के लिए, भाई कंट्री के एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए उन्हें इनकम चाहिए, उसके लिए वो टैक्स लगाते हैं। टैक्स के दो फर्दर पार्ट्स हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? इनकम टैक्स हुआ। अब इनकम टैक्स से सारे एक्सपेंडिचर्स की भरपाई नहीं हो पाती, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स का सहारा लेना पड़ता है। और उसके कई सारे कंसेप्ट आ गए, आपका एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और बहुत सारे। ठीक है, हम मेन इनको समझ के चलेंगे। अब गवर्नमेंट कौन सी? यस दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, अपनी कंट्री के, अपनी स्टेट के खर्चे चलाने के लिए हर किसी का ऑब्लिगेशन है। और खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए। तो पहले एक तरह से जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बटे हुए थे। ठीक है, जो सर्विस टैक्स है उसकी रिसीट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती थी, एक्साइज और वैट की रिसीट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती थी। ये अपने रेवेन्यूज जो है इन टैक्सेस से पूरा करा करते थे। मेजर प्रॉब्लम क्या आती थी? क्योंकि सर्विस टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है, तो वो तो ऑब्वियसली पूरे ओवरऑल इंडिया में सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन एक्साइज और वैट पर किसका अधिकार है? स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट की आवश्यकता के अनुसार टैक्स रेट अलग अलग रखती, मतलब चेंज कर लेती थी। तो मतलब यूपी में एक्साइज ड्यूटी कुछ और है तो मध्य प्रदेश में अलग हो सकती है, दिल्ली में कुछ और हो सकती है, महाराष्ट्र में कुछ और हो सकती है, अलग अलग अप्लाई होगी। ठीक है, इससे ट्रेडर्स को, व्यापारियों को भी दिक्कत आती थी। भाई सामान मान लीजिए हमें मध्य प्रदेश से खरीदना है, लेकिन यार वहां का एक्साइज बहुत ज्यादा है, वहां पे तो मतलब मोस्टली अमाउंट हमारा एक्साइज ड्यूटी देने में चला जाएगा, गुड्स महंगे हो जाएंगे, खरीदे ना खरीदे, तो इंटरस्टेट बिजनेस करने में दिक्कतों का सामना आता था। तो अब ये जो प्रॉब्लम्स थी, सीधी सी बात है कि टैक्स स्ट्रक्चर अलग अलग है, कंट्रोल अलग अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, इस चीज को एक नॉर्मल वे में लेकर आने के लिए, एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर में लाने के लिए ही इंट्रोडक्शन हुआ डेफिनेटली किसका, इन सबको मिलाकर करा गया क्या, जीएसटी। इन्हें क्या बनाया गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भाई ऑल ओवर इंडिया आपका एक ही टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, गुड्स को हम क्लासिफाई कर देंगे, क्या टैक्स रेट उन पर लगेगा वो डिसाइड कर लेंगे, पर अब पूरी कंट्री में आपका एक ही टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? फंडा बिल्कुल ईजी है। जो भी टैक्स कलेक्शन होगा, सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं, मान लीजिए 12% का जो जीएसटी का रेट है वो एप्लीकेबल हुआ, उसको आधा आधा कर लो भाई, 6% ले जाएगी कौन? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो बाकी 6% है वो ले जाएगी स्टेट गवर्नमेंट। ये आपका रेवेन्यू, ये हमारा रेवेन्यू, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन आपका इसमें हो जाता है। ठीक है, हालांकि इतना ये ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा सा आपका क्लासिफिकेशन और है, मैं बताता हूं, लेकिन फिलहाल अभी समझने के लिए जीएसटी का दायरा ये बताता है कि भाई स्टेट टू स्टेट जो रेट पहले अलग होते थे वो अब नहीं रहेंगे। अब आप व्यापार जो है इंटर स्टेट का बढ़ा सकते हो, कहीं से भी गुड्स खरीद सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी है वो भी सिंपल हो गई, भाई आधा आपका है और आधा हमारा है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? हालांकि अभी भी कुछ गुड्स हैं जिन जो जीएसटी के दायरे में नहीं आए हैं, इसमें आपका पेट्रोलियम है, इसी के इसमें आपका जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो इसके अंदर अभी आते हैं, कुछ कंट्रोल उसके अंदर, और इसके अलावा जो लिकर है, शराब है, वो भी जीएसटी के दायरे के अंदर नहीं आई है। हालांकि कुछ लगता ऐसा जो माहौल है वो शायद आने वाले टाइम में इनको भी जीएसटी के दायरे में लेकर आया जाए, पर फिलहाल अभी वो इस दायरे से बाहर है। So that is the scenario for GST, my friends, कि भाई GST एक indirect tax हुआ, जो पूरा का पूरा आपका बड़ा complicated tax structure होता था पुराने वाला, उसको combined करके अब एक कर दिया गया है, सीधी सी बात है, और distribution बिल्कुल simple है, और main चीज कि ये आपका all over India applicable है, including GNK।
सो दैट इज द सिनेरियो फॉर जीएसटी माय फ्रेंड्स. हाँ, इससे आगे जो जीएसटी की क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये ड्यूल टैक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो जीएसटी की क्लासिफिकेशन है माय फ्रेंड्स, उसको बिहेवियर बेसिस पर तीन पार्ट में बांटा गया है. एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी, ठीक है. काफी हद तक आपने ट्रांजैक्शंस करी होंगी, रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा, मूवी देखी होगी, कुछ सामान खरीदा होगा वगैरह वगैरह. तो जो आपने अगर बिल को पढ़ा हो तो हमेशा वहां पर दो चीज लिखी, जीएसटी नहीं लिखा होता ऑब्वियसली, सेंट्रल जीएसटी और आपका स्टेट जीएसटी, ठीक है, ये लिखे रहते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना हिस्सा बना, स्टेट गवर्नमेंट का कितना हिस्सा बना, ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर हो जाता है. तो जो हिस्सा चला गया किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो क्या होता है आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये आपका स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. हाँ, ऑब्वियसली या तो स्टेट होगा या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश होगा, ठीक है. भाई स्टेट में है तो एसजीएसटी लगेगा, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है तो यूटीजीएसटी लगेगा, ठीक है. यूनियन टेरिटरीज कितनी है बताइए सर, 7 है. कौन कौन सी बताओ सर, अंडमान निकोबार है, ठीक है, अच्छा जी सर, लक्षद्वीप है, ओके सर, पांडिचेरी है, ओके जी सर, इसमें आपका दादरा एंड नगर हवेली है, ओके सर, इसके अलावा दमन एंड दीव है, ओके सर, दिल्ली है, नहीं दोस्तों दिल्ली नहीं है, चंडीगढ़ भी नहीं है, ठीक है. चंडीगढ़ और दिल्ली को स्टेट कैटेगरी में रखा गया है आपका जीएसटी में, और जो 5 है, ठीक है, वो आपका यूटी में आती है. जीके में 7 पढ़ाई जा रही है पर नहीं, जीएसटी में जो दायरा है वो 5 तक सीमित है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्लियर. और ठीक उसी तरीके से जो तीसरी कैटेगरी आती है वो है आई जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है. ये क्या है दोस्तों, भाई ऑब्वियसली सामान आपका यूपी में खरीदा गया, यूपी में बेचा, टैक्स लगा आधा सेंट्रल आधा स्टेट, ठीक है. मध्य प्रदेश में खरीदा गया, प्रोसेसिंग हुई, मध्य प्रदेश में बेच दिया. महाराष्ट्र में खरीदा गया, महाराष्ट्र में बेचा, तो ठीक है, विद इन दिस स्टेट काम हो रहा है. लेकिन जब इंटर स्टेट सप्लाई हो गुड्स की, खरीदे बेचे जाए, तो अप्लाई होगा क्या, इंटीग्रेटेड जीएसटी. ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा. ऑल दो उसकी कैलकुलेशन की वजह से स्टेट को ये कुछ देना पड़ता है, वो कैसे वो बाद में देखेंगे, अभी उसकी तरफ नहीं जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे अभी, ठीक है. तो अगर आपका विद इन द स्टेट आपकी सप्लाई हो, सेल परचेज हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसमें ये आपका एप्लीकेबल हो जाता है. लेकिन अगर इंटर स्टेट स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है तो ऑब्वियसली उसमें आपका आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्लियर दोस्तों. तो ये हमने थोड़ा सा जो मुखौटा है जीएसटी का वो पढ़ा है, और इन डिटेल लॉज तो हम आगे चल के इसमें पढ़ने ही वाले हैं. लेकिन सबसे पहला सवाल जो आता है वो आता है इसकी कंप्यूटेशन का, ठीक है, वो आता है इसकी कंप्यूटेशन का. हम कंप्यूटेशन सबसे पहले पढ़ेंगे, और कंप्यूटेशन किस तरह से जीएसटी को डिफरेंट बनाती है ये समझना जरूरी है. हमने इनकम टैक्स की क्लासेस में भी ये करा था, भाई इनकम टैक्स में फर्दर लॉस पर जाने से पहले हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भाई टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है. क्योंकि अगर आप कहें कि हम कॉमर्स स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, और कोई आपसे पूछे कि भाई हाँ टैक्स का दायरा कैसा होता है, तो वो सबसे पहले आपसे कंप्यूटेशन ही पूछते हैं, भाई आप हमारी इनकम इतनी है, जरा टैक्स बताओ कितना बनेगा, इनकम कहाँ से कमाई, क्या लो है, वो बात की बात होती है. पहले जो इनिशियल क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, भाई टैक्स कितना, ओके जीएसटी है, हाँ जी हम गुड्स खरीदते बेचते हैं, ये कैलकुलेशन है, ये रेट है, जरा कितना बनेगा, कितना देना पड़ेगा, जरा कैलकुलेट करके बताओ. तो वो जो कंप्यूटेशन है हमें वो पहले आनी चाहिए. तो आइए दोस्तों हम कंप्यूटेशन की शुरुआत करते हैं जीएसटी के बारे में, और किस तरह से इसकी कैलकुलेशन पहले वाले टैक्स स्ट्रक्चर से अलग है वो एक न्यूमेरिकल में हम करके देखेंगे. आइए बढ़ते हैं जरा. तो क्वेश्चन मैं एक एज्यूम कर रहा हूं दोस्तों, सपोज कोई मिस्टर ए है, उन्होंने परचेस करा रॉ मटेरियल, सपोज रुपीज, हम काफी छोटी वैल्यू लेकर चलते हैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, रुपीज 2000, ओके. इस पर उन्होंने एक्साइज 10% और वैट 10% पे करा, ठीक है, एक्साइज 10% और वैट 10% पे करा, ओके. फिर ये रॉ मटेरियल उन्होंने खरीदा, इसकी प्रोसेसिंग हुई, और इनका जो फैक्ट्री एक्सपेंडिचर है वो 1000 रुपए आया, ठीक है. इन्होंने सोल्ड कर दिया इसको, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पर इन्होंने इनको पे कर दिया, ठीक है. एंड इन्होंने भी सेम, अभी सिंपल रखते हैं, एक्साइज 10% चार्ज करा और वैट 10% चार्ज करा, ठीक है. मैं सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एक्साइज वैट का
दायरा खत्म हो जाएगा, जीएसटी का कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद हम जीएसटी के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन हमारे सामने आया, रॉ मटेरियल खरीदा गया, टैक्स पे किया, प्रोसेसिंग आपकी लगी और ऑब्वियसली बात है फिर हमने उसको 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। प्रोसेस आप जानते हैं, मान लीजिए मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, या रिटेलर हूँ, व्हाटएवर, मैंने पहले किसी से सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, खरीद कर मैं अपने पास ले आया हूँ, ठीक है, मैंने उसके ऊपर टैक्स पे करा, खरीदा वो मुझसे टैक्स कलेक्ट करेगा और मैंने उस पर एक्साइज वैट वगैरह जो था उसको पे कर दिया। मेरे पास रॉ मटेरियल आया, मैंने उनको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, आगे चल के बेचा, तो मैं जब बेचूंगा तो मुझे भी टैक्स कलेक्ट करना है। तो एक जगह मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, एक जगह मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ, क्या क्या ऑब्लिगेशन बनती है आइए जरा उसकी तरफ नजर डालते हैं। यहां पर सबसे पहले इनिशियल टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इनिशियल टैक्स स्ट्रक्चर, आइए ध्यान दें दोस्तों, यहां पर जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो निकल कर आई कितनी, 2000 रुपए। इसमें ऐड कर दीजिए दोस्तों एक्साइज जो था 10%, प्रोडक्शन कॉस्ट पर एक्साइज लग जाएगा और वैल्यू आ जाती है 2200 रुपए। इसमें ऐड करेंगे आप वैट, हां जी, ये जो वैल्यू आती है इस पर वैट लगता था क्या मतलब, जो अभी फिलहाल इसके दायरे में उन पर भी इस तरह से कैलकुलेशन होती है और जो वैट है वो भी 10% के हिसाब से है, तो ₹220। सो द ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर मिस्टर ए वो कितनी आ गई आपकी, 2420। इनको जो सामान है वो इतने का पड़ा, 2420 का दोस्तों। अब अगर हम यहां पर ध्यान दें, यहां पर हम ध्यान दें, जो गुड्स थे वो 2000 रुपए के थे, 2000 में 200 रुपए ऐड हो गए तो वैल्यू कितनी आ गई, 2200 रुपए। अब जो वैट लगा 10%, वो किस पर लगा, वो इस पर नहीं लगा दोस्तों, 2000 पर नहीं लगा, वो 2200 पर लगा। इस 2200 में ये 200 रुपए इंक्लूडेड हैं, इस 2200 में ये 200 रुपए इंक्लूडेड हैं और टैक्स इसके ऊपर लगा है वैट, इसका मतलब ये 200 रुपए टैक्स थे और इस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा, टैक्स के अमाउंट के ऊपर भी टैक्स लगा, दैट इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं हम, कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब कि भाई टैक्स के अमाउंट के ऊपर ही टैक्स लग रहा है, टैक्स लगा एक्स्ट्रा कॉस्ट में जुड़ा और फिर दोबारा उसके ऊपर टैक्स, ये एक तरह से दाम बढ़ाने वाली बात है, जो दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पर 2400 रुपए आ गया, मैं बिल्कुल इनिशियल टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अब यहां पर मिस्टर ए ने ऐड करा इसमें अपने प्रोसेसिंग चार्जेस कि भाई मुझे 1000 रुपए का खर्चा करना पड़ा इन गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, एंड द टोटल एक्सपेंडिचर अब नाउ उनका हो गया है 3420, ठीक है। ये उनका यहां पर जो क्या कहते हैं जो अमाउंट है वो आपका यहां पर आ जाता है, ठीक है। अब इसमें अब ये उनके अब ये प्रोडक्शन वैल्यू हो गई, ठीक है, देखा जाए तो मिस्टर एक्स के लिए इसमें ऐड करेंगे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, यहां पर जो एक्साइज है वो उन्होंने पे करा सेम 10% 10% 342 रुपीज 3762। अब इसमें वो पहले अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, प्रॉफिट हमने कितना माना है 20%, प्रॉफिट हमने कितना माना है दोस्तों आपका 20%, ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं 3420 कॉस्ट ही आ गई, कॉस्ट में ही आप ऐड कर दीजिए प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि जो सेलिंग वैल्यू है, ठीक है, उस पर जो आपका नेट वैल्यू निकल के आएगी उस पर हम जो एक्साइज वो पे करेंगे। सो 3420 का हम निकाल लेते हैं 20% था प्रॉफिट, यस इट इज 684 माय फ्रेंड्स। तो यहां पर टोटल अमाउंट कितना निकल के आया जोड़ लेते हैं, इट इज 401 कैरी हुआ, 41 ऐड कर लेते हैं, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए फिर आगे चल के 3420 द वैल्यू इज 4104 प्लस एक्साइज जो कि है 10%। तो दोस्तों वो 410.4 आ रहा है, मैं उसको राउंड ऑफ करके 410 ले रहा हूं, ठीक है, दैट इज 145 ये वैल्यू आ गई
और फिर दोबारा से आप इसमें ऐड करेंगे, यस एग्जैक्टली वैट, वो वैट कितना है, वो 10%, वो भी 0.4 आ रहा है, मैं उसको 451 ले रहा हूं, और यहां पर 5694 अमाउंट पेबल बाय बायर, बायर को ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है, बायर को ये अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखो प्रॉब्लम पहले कहां कहां पर आई, प्रॉब्लम एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी थी कि भाई ऐसा है, इस 200 को हमने कॉस्ट में जोड़ा फिर उसी पर टैक्स लगा दिया, ये टोटल कॉस्ट आ गई, यहां तक जुड़ता चला गया टोटल अमाउंट जो कलेक्ट करने की बात हुई थी, फिर उसमें उन्होंने एक्साइज जोड़ा, ये दोबारा से कॉस्ट में ऐड हुआ और फिर उसी के ऊपर वैट लगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, इसे कहा जाता है कास्केडिंग इफेक्ट, जो एक तरह से कमोडिटी के दाम को लगातार बढ़ाता जा रहा है। इस चीज में दोस्तों, इस चीज में दोस्तों जो हमने करा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसमें इन डिटेल हम एक चैप्टर पढ़ना, लेकिन मैं आपको जस्ट अभी इसका एक पर्टिकुलर जो ओवरव्यू है वो बता देता हूं कि भाई ये होता क्या है। देखो ध्यान दो, आप सप्लायर हो, आपने रॉ मटेरियल परचेस करा, ठीक है, रॉ मटेरियल का दाम पे करा और आपने उसके ऊपर एक्साइज वैट वगैरह भी पे कर दिया, मान लीजिए 200 रुपए, कितना 200 रुपए आपने पे कर दिया, आपने गुड्स तैयार करे मार्केट में बेचे और वहां से आपने वैट जो है वो कलेक्ट कर लिया, वैट एक्साइज वगैरह सब कुछ, मान लो आपने कलेक्ट करा 500, कितना कलेक्ट करा 500, गवर्नमेंट कह रही है 200 रुपए तो आपने पे कर दिए थे, ये जो 500 कलेक्ट करे हैं ये भी हमें पे करो पूरे के पूरे, एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज, आपने 200 रुपए पे कर दिए थे और अभी आपने 500 रुपए कलेक्ट करे हैं, एक काम करो, एक काम करो, वो 500 रुपए में से, उस 500 रुपए में से आप ये 200 रुपए घटा दो, बचा कितना 300, वो हमें जमा करा दो, गवर्नमेंट ये कह रही है। पहले वाले केस में दोस्तों, जब 200 रुपए पे करे और 500 रुपए भी पे करे, जो पूरा का पूरा टैक्स कलेक्ट करा है, वो ये सिनेरियो है, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट नहीं दे रही है, जो काफी इनिशियल हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने कहा जी 200 पे करें, 500 कलेक्ट करा है टैक्स आपने, 200 घटा के 300 जमा करा दो, उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है कि भाई हाँ आपने यहां पर हमें टैक्स जो है वो पे करा है। क्लियर दोस्तों, मतलब टैक्स क्रेडिट लेने के बाद, तो यहां पर अलाउड नहीं था, लेकिन अगर अलाउड हो तो कैलकुलेशन कैसी होगी, तो मैं आ रहा हूं मॉडिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, मॉडिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी अभी भी नहीं आया, जीएसटी हम यहां समझेंगे, ये कैलकुलेशन होगी, लेकिन किस तरह से वो सोच बदलेगा ये हमें पता होना चाहिए। आइए दोस्तों ध्यान दें, यहां पर शुरू करते हैं दोबारा से, कॉस्ट 2000, ठीक है, प्लस आपने ऐड करा इसमें जो एक्साइज था 200, 2200 हुआ, प्लस आपने इस पे वैट पे करा 10%, 220 और 2420 आपने यहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू पे करी, ठीक है, ये अमाउंट आ गया। ओके, अभी तक सेम है अभी तक कोई डिफरेंस निकल कर नहीं आया। गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा, आपने लिख लेते हैं दोस्तों साथ में ना, आपने एक्साइज अपनी जेब से अभी तक 200 रुपए पे कर दिया है और आपने वैट भी पे करा है 220, ठीक है, ये पे कर दिया है। गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, जो मैंने अभी जो टैक्स पे करा मैंने अलग लिख लिया, एक्साइज का 200, वैट का 220। अब यहां पर दोस्तों नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट ने कहा आपने गुड्स कितने के खरीदे, आपने गवर्नमेंट से कहा सर ये 2420 के खरीदे, गवर्नमेंट कहती है नहीं 2000 लिखो, कितना लिखो 2000, जितने के लिए था ना आपने वही लिखो, टैक्स को साइड कर दो, टैक्स को साइड रख दो भैया, अभी उसको मत छेड़ो, कॉस्ट आ गई 2000। अब इसमें ऐड करो अपनी प्रोसेसिंग कॉस्ट जो 1000 रुपए थी और जोड़ ले अपना प्रॉफिट जो आप कह रहे हो, कहां गया, यस 20% जो है आपका, तो 20% हो गया 600 रुपए, ठीक है, टोटल कितना आया 3600, इसमें ऐड करो एक्साइज जो आपने कलेक्ट करा है 10%, यानी कि 360, 3960,
और इसमें ऐड करो अपना वैट जो भी है 10% 3960, और जो अमाउंट पेबल होगा, अमाउंट पेबल बाय बायर, वो यहां पर आ जाएगा. विजिबल है? यस, एग्जैक्टली विजिबल है आपके लिए. तो यहां पे जो अमाउंट पेबल है वो वैल्यू आ जाएगी. तो मैं जोड़ देता हूं दोस्तों इनको, ऐसे जुड़ जाएगा 6, 5, 1 कैरी हुआ, 5, 6, 1 कैरी हुआ, 3, 1 कैरी हुआ, 4, 3, 5, 6. पहले दाम आप खुद देखिए कहां तक पहुंच रहा था, 4965 तक, 5000 तक पहुंच रहा था. लेकिन यहां पर कुछ चेंज हुआ और दाम देखिए बायर के लिए काफी सस्ता हो गया है. अब यहां पर बात आती है टैक्स पे करने की. भाई यहां पर मिस्टर एको टैक्स कितना पे करना है, ये ऑलरेडी सप्लायर को इतना टैक्स पे कर चुके हैं, ऑलरेडी से इतना टैक्स पे कर चुके हैं. यहां पर एक्साइज जो निकलकर आया वो था 360 दोस्तों, 360 जो ये पे करा उन्होंने, ठीक है. अब ऑलरेडी ये पे कर चुके हैं माइनस आईटीसी, गवर्नमेंट कह रही है बेनिफिट ले लो इनपुट टैक्स क्रेडिट का, ₹200 जमा करा देना, 160 एक्साइज जमा करा देना, 160 एक्साइज, क्लियर. ठीक ऐसे ही आपने अभी वैट कितना कलेक्ट करा जरा बताएंगे जी, 396. आप ऑलरेडी 220 पे कर चुके हो, ऑलरेडी 220 पे कर चुके हो, और यहां पर ये माइनस करके जो बनता है 67176 हमें ये पे कर देना. तो आपने खुद देखा दोस्तों, इसे कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट. जो टोटल इनको पे करना है वो 160 प्लस 176 पे करना है. यहां पर तो क्या था, यहां पर इस वाले पहले वाले केस में क्या था कि ₹200 पे करे थे टैक्स के, 500 कलेक्ट करे हैं, 200 तो पे करे, 500 भी पूरे के पूरे पे करो, कोई बेनिफिट नहीं दिया जो आपने पहले पे करा. लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है किस चीज का, किस चीज का, कि भाई आपने जो पहले पे करा था उसे माइनस करने के बाद जो आपने कलेक्ट करा वो हमें पे कर देना, वो हमें पे कर देना. तो यहां पे बेनिफिट आपने देखा. कुल अगर मैं पुराने वाला क्वेश्चन जोड़ू तो यहां पर ये 410 प्लस 551, ठीक है, दोनों के दोनों आपका 861 का टैक्स जमा कराना पड़ रहा था, लेकिन अब 160 प्लस 176, तो ये बर्डन कम हुआ. इसका बेनिफिट हमने किसमें देखा, जो दाम है कमोडिटी का वो भी कम हुआ. तो सर ये स्कीम तो अच्छी है, ठीक है, इसको चेंज करके जीएसटी में क्यों हमने चेंज करा. तो जीएसटी में चेंज करने का पर्पस दोस्तों यही था, कि एक तो हम टैक्स स्ट्रक्चर को आसान करें, और अभी भी इसमें दिक्कत है. अगर आप देखो यार, ये 200 के ऊपर ही तो टैक्स लग रहा है दोबारा से वैट, अभी भी कास्केडिंग पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है. यहां पर इस वाले में कास्केडिंग मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स यहां से शुरू हुआ था और यहां तक चलता रहा. यहां पर यहां से शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने यहां पर 200 लेकर इस प्रोसेस में खत्म कर दिया, लेकिन फिर बाद में लगा दोबारा से ऐड होकर. तो कास्केडिंग यहां पर कम जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई. ये दाम कम हुआ है 4965 से 4356, ये कास्केडिंग कम होने की वजह से हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है. तो आइए बात करते हैं आज के समाज की, कि जीएसटी में क्या होगा, कि जीएसटी में जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनकर आएगा दोस्तों हमारे सामने, आइए उसकी चर्चा करते हैं. तो ये इनिशियल जब आईटीसी नहीं मिलता था, ये मॉडिफाइड जब आईटीसी मिलने लगा. अब जीएसटी और स्ट्रक्चर को आसान करने के लिए, आइए मैं इसको चेंज करूं दोस्तों. यहां पर क्वेश्चन अब ऑब्वियसली चेंज होगा. यहां पर मैं इसको कंबाइन कर रहा हूं. मिस्टर ए परचेज रॉ मटेरियल ₹2000 का, वैट एक्साइज खत्म हो गया, इन्होंने जीएसटी पे करा, 20% ही लेते हैं, ठीक है, कोई लड़ाई नहीं, 20% ही लेते हैं, आधा सेंट्रल का आधा स्टेट का हो जाएगा. फिर इन्होंने प्रोसेसिंग फीस पे करी, प्रॉफिट ऐड करा, और भाई फिर दोबारा से जीएसटी 20%. आइए जरा शुरू करें. कॉस्ट 2000, कॉस्ट 2000, आई थिंक विजिबल है, मैं थोड़ा और इधर लिख देता हूं. कॉस्ट 2000 प्लस जीएसटी, एक काम करें हम अलग अलग लिखेंगे, प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कितना है, 20%, 10-10%, 200 कॉस्ट का टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 2400. खुद देख लो दोस्तों,
यहां पर 2420 आ रहा था, वहां पर 2400, दाम एकदम से कम हो गया, ठीक है, ए मेन वैल्यू पर ही सीधा एक तरह से वैट जो है कॉस्ट पर ही लग गया, तो वो चीज हमने देखी। ओवरऑल टैक्स जो है वो आपका गवर्नमेंट ने बोला भाई कॉस्ट पर लगा दो 2400 रुपए, पहली चीज। अब याद रखिएगा यहां पर ये जो 400 रुपए है, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूं, ये टैक्स ये सज्जन पे कर चुके हैं 400 रुपए। अब दोबारा से आ जाइए, आपने कॉस्ट कितने की ली, 2400 की नहीं 2000 की, अपना टैक्स साइड कर दो, उसे हम देखेंगे, गवर्नमेंट करिए हम देखेंगे, साइड कर दो, कॉस्ट 2000 रुपए, प्लस करिए अपनी प्रोसेसिंग कॉस्ट 1000, आ जाता है 3000, आ जाता है 3000, और उसके बाद अपना मार्जिन ऐड कर लीजिए प्रॉफिट का, आप कह रहे थे हमें 20% कमाना है कॉस्ट का, तो 20% 600 रुपये हो गया, 3600 आया, ये आपकी टोटल वैल्यू आ गई। इस पर प्लस CGST प्लस SGST कितना, 10%, 360 मतलब 10% ओवरऑल तो 20 है, कितना हुआ दोस्तों, प्लस 4320, दैट इज 4320, ये वो अमाउंट है जो बायर को पे करना पड़ेगा दोस्तों, ये वो अमाउंट है जो बायर को पे करना पड़ेगा। आप खुद देखिए जो ये वाला स्ट्रक्चर है, पहले वाला स्ट्रक्चर था, इसमें इस पर्टिकुलर अमाउंट में अगर आप ध्यान दो, कॉस्ट आ रही थी कितनी, 4365, कितना 4365, लेकिन अब यहां पर कितना आ रही है एग्जैक्टली 4320, दाम और कम हो गया है। कास्केडिंग को कंप्लीटली खत्म करा गया, ऑलरेडी आप पे कर चुके हो कितना, ऑलरेडी पे कर चुके हो आप कितना 400 रुपए, ठीक है, यहां पर अभी आपने कितना कलेक्ट करा 720 माइनस 400, 320 गवर्नमेंट को जमा करा देना, ऑब्वियसली आधा आधा, आपका आधा स्टेट गवर्नमेंट को आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि जीएसटी ने किस तरीके से जो पूरा का पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है उसको चेंज करा है, और ऑब्वियसली ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है ये इसी पर्पस के लिए आया। हमने देखा कि इनिशियल टैक्स स्ट्रक्चर में तो जो दाम है वो बहुत ही ज्यादा होता था, ठीक है, हमने देखा जब कैलकुलेशन करके देखी 4965, ठीक है, जो बेसिक था। मॉडिफाइड जब हमने ITC का बेनिफिट देना शुरू करा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इनपुट टैक्स, इनपुट का मतलब क्या, जब हमने सामान खरीदा इनपुट, ठीक है, लाइक इकोनॉमिक्स वर्ड, तो उस टाइम पे हमने क्या टैक्स पे करा है, ठीक है, उसको घटाकर हमें जमा करो, हमने देखा भारी परिवर्तन आया दाम में, और जब, लेकिन यहां पर भी कास्केडिंग हो रही थी, उस कास्केडिंग को पूरी तरह से दूर करने के लिए हम लेकर आए किसको, जीएसटी को, एंड हमने देखा कि दाम और भी कम हो गया। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन का स्ट्रक्चर है किसका, जीएसटी का, और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जिस तरीके से बोला जा रहा है ना बाजार में, जीएसटी हाय रे जीएसटी हाय में परेशान जीएसटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएसटी का जो सिनेरियो है, जो स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट की वजह से इसको जमा करना, इसका टैक्स क्रेडिट लेना बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया गया। हाँ, रूल्स एंड नॉर्म्स पहले से ज्यादा आपके स्ट्रिक्ट हैं कि भाई आप चोरी नहीं कर सकते, आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा सारा का सारा रिकॉर्ड, वो एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है, हम मतलब जो एक तरह से जो चोरी है, जो टैक्स एविजन है, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। रही बात कंप्यूटेशन की, रही बात पेमेंट की, रही बात रिटर्न फाइल करने की, वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा आसान है। हाँ, ओवरऑल इसका क्या फायदा, हमने देखा कि जो दाम है वो डेफिनेटली कम होगा इसकी वजह से। तो दोस्तों दैट इज द सिनेरियो फॉर व्हाट, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम और करेंगे। हाँ, कुछ बेसिक सी चीजें जो हमें मालूम होनी चाहिए वो क्या, कि एक तो हमें जो आपका जीएसटी है उसकी पेमेंट हर अगले महीने की आपको 20th तक आपको करा देनी है, ठीक है, लाइक अगर आपने नवंबर की ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं तो 20 दिसंबर तक आपको नवंबर का जीएसटी जमा कराना है, जनवरी का 20 फरवरी तक कराना है, फरवरी का 20 मार्च तक कराना है, ठीक है, ये सिनेरियो उसका रहता है। और जो कैलकुलेशन है, ठीक है, आपकी क्या कहते हैं जीएसटी की, मान लीजिए जीएसटी आपका पेबल, हालांकि हमने यहाँ पे राउंड ऑफ कर लिया था, पर राउंड ऑफ नहीं करते ऐसे, मान लीजिए जीएसटी पेबल आया 561 40 पैसे, तो उसको 1 रुपए में राउंड ऑफ करा जाता है, ये 561 हो जाएगा, 561 हो जाएगा, लेकिन अगर ये होता मान लीजिए 50 पैसे या उससे ज्यादा,
तो वो 62 हो जाएगा, ठीक है, इतना जो डिफरेंस है इसमें, ये हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हाँ, अगर आप लेट हो जाते हैं कि भाई आपने 20 तारीख तक जमा नहीं कराया, उसके बाद आपने जमा कराया, तो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर एनम के हिसाब से पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी, कि भाई यार आपने टाइम पर, अगर सीधी सी बात है, टाइम पर आप अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर रहे हो, पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसका रेट कितना है आपका? 18%। तो ये स्ट्रक्चर है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो समय की बर्बादी को रोकने के लिए मैंने क्वेश्चन तैयार कर दिया है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं हुआ हमारा, और एक्स लिमिट क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है। आइए देखें क्वेश्चन को, ठीक है। एक्स लिमिटेड है, ये मैन्युफैक्चरर हैं, और इन्होंने रॉ मटेरियल परचेज करा 3 लाख का, और उस पर उन्होंने CGST 9%, SGST 9% पे करा, यानी कि टोटल ओवरऑल 18% का टैक्स रेट था। प्रोसेसिंग में इनके 2 लाख रुपये और खर्च हुए हैं, और फिर उन्होंने 40% ऑन कॉस्ट के प्रॉफिट पर इसको बेच दिया है। उस टाइम पर 24% का रेट लगा, मैंने अज्यूम करा है रेट, ये 12% आपका CGST और SGST में चला गया, ठीक है। होलसेलर को इन्होंने बेच दिया, होलसेलर ने फिर अपना 30% मार्जिन ऐड करा और रिटेलर को बेच दिया, उसने भी 24% जो कि मैंने अज्यूम करा है 12-12 के हिसाब से चार्ज करा, और रिटेलर ने फिर उसको ऑब्वियसली 30% प्रॉफिट अपना भी ऐड करने के बाद बायर को बेच दिया है। अब इसमें हर एक का जो टैक्स ऑब्लिगेशन है, जो GST, वो कैलकुलेट करके मैं बताना है, किसका? आपका एक्स लिमिटेड यानी कि मैन्युफैक्चरर के लिए, होलसेलर के लिए और रिटेलर के लिए। सो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विद एक्स लिमिटेड। पहले एक्स लिमिटेड की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्स लिमिटेड हमारा यहां पर आ जाता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनकी आई 3 लाख रुपए, ठीक है, प्लस CGST प्लस SGST जो कि 9% है, तो ये बन जाता है दोस्तों 27,000, 27,000, और ये भी 27,000। सो द टोटल वैल्यू इज 3,54,000, ठीक है। मैं साइड में यहीं पर लिखकर चलता हूं, जो एक्स लिमिटेड का इनपुट टैक्स है, मतलब सामान खरीदने पर उन्होंने कितना टैक्स दिया, CGST इन्होंने 27,000 पे करा है, और SGST इन्होंने 27,000 पे करा है। क्लियर दोस्तों, ये एक्स लिमिटेड की परचेज पूरी हुई है, एक्स लिमिटेड की परचेज पूरी हुई है। आगे बढ़ते हैं, फिर उन्होंने प्रोसेस करा, ओके, नए सिरे से। नाउ कॉस्ट बताइए कितनी, एक्स लिमिटेड ने बोला जी मैंने 3,54,000 पे करे हैं, नहीं, गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, जो टैक्स पे करा उसको साइड रखो, उसका फायदा आपको मिलेगा, आप कॉस्ट 3 लाख ही रखिए, ठीक है जी, ओके, अपनी प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं 2 लाख रुपए, ठीक है, वो ऐड करिए, ओके, और टोटल कॉस्ट आपकी ये आ गई जी जनाब 5 लाख। अच्छा, इस पे अपना प्रॉफिट ऐड कर लो जो आप एस्टिमेट कर रहे हो, इन्होंने प्रॉफिट एस्टिमेट करा 40%, तो हो गया 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए पर इन्होंने सेल किया, मतलब 7 लाख में सेल करा, टोटल जो बायर के लिए नेट अमाउंट बनता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इस पे CGST SGST, ओके, कितना, 12-12%, तो 7 लाख का 12% 84 और 84 नेट पेबल बाय होलसेलर, ठीक है, नेट पेबल बाय होलसेलर, तो ये अमाउंट हो जाता है दोस्तों 84,000 प्लस 84,000 प्लस 7 लाख, दैट इज 8,68,000। ये अमाउंट होलसेलर को पे करना पड़ेगा, और उन्होंने टैक्स कलेक्ट कर लिया 84,84। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इनपुट टैक्स, मिस्टर एक्स की बात कर रहा हूं, इनपुट टैक्स CGST में 27 उन्होंने पे कर दिया था, और SGST में 27, सेम ही होंगे ऑब्वियसली, पे कर दिया था। अब आउटपुट टैक्स से तात्पर्य है दोस्तों सेल के टाइम पर, जब आप सप्लाई कर रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, इन्होंने CGST कलेक्ट किया 84 और SGST कलेक्ट करा 84, ये आ गया, ये इनपुट टैक्स उन्होंने पे करा था, ये आउटपुट टैक्स उन्होंने कलेक्ट करा है। GST पेबल कितना, GST आपका पेबल बनता है, अब ये निकालना है दोस्तों,
तो यहां पर एक काम करते हैं ना, यहां पे नहीं आएगा प्रॉपरली, इधर कर लेते हैं। यहां पे जीएसटी पेबल बाय एक्स, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान दें, यहां पे हमेशा कॉलम बना लेना सीजीएसटी, एसजीएसटी, इवन आईजीएसटी एज वेल माय फ्रेंड्स, आईजीएसटी भी बिल्कुल, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं है पर अभी कुछ करेंगे हम आज की क्लास में, हम कंप्यूटेशन में आईजीएसटी का दायरा भी कवर करेंगे, इंटरस्टेट का, आसानी रहेगी, ठीक है। तो आउटपुट इनका कितना बनता था वो लिख लो, 84,000। ये नहीं है अभी इंटरस्टेट नहीं है, ठीक है। कई बार होता ना अपने, आपने विद इन दिस स्टेट भी सेल करी है, बाहर भी करी है, तो फिर अलग अलग वैल्यू आएंगी, ठीक है। वो नहीं है, मैंने ऐसे लिख के छोड़ दिया अभी, ठीक है। इसमें से माइनस करिए इनपुट, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसे क्या बोला जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो 200-500 वाला जो बताया था भाई, पहले पे करा हुआ है ना और अभी कलेक्ट करा हुआ है, पे करा हुआ वाला माइनस कर दो। तो कितना पे करा हुआ है यहां पे इन्होंने, 27,000 माय फ्रेंड्स, 27,000 माय फ्रेंड्स। नेट पेबल, आपको नेट इतना पे करना पड़ेगा, और कितना हो गया, 84 माइनस 27 57। सर कैलकुलेशन आपकी बहुत वीक है, इसको भी कैलकुलेटर से कर रहे हो, हाँ मुझे पता है तुम सारे आर्यभट्ट हो, लेकिन गलत हो गई यहाँ पे, तो फिर तुम मुझे बोलोगे ना कि सर आपकी कैलकुलेशन गलत हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा दायरा निकल के आ गया, जीएसटी पेबल बाय मिस्टर एक्स, इस तरह से करना है। ये सीधी सी बात, खरीदारी, ये यहाँ पे बिक्री, खरीदारी के टाइम पे जो पे करा उसे साइड रख दो, बिक्री के टाइम पे जो कलेक्ट करा उसे साइड कर दो, नेट इफेक्ट निकाल दो, ये जीएसटी पेबल आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमने बात करी एक्स लिमिटेड की, सामान पहुंच चुका है, ठीक है, सामान पहुंच चुका है होलसेलर के पास, ठीक है। और होलसेलर का दायरा दोस्तों ये था, मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, होप आप इसको नोट कर लेंगे अगर आपको आवश्यकता है तो, वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब सामान पहुंच चुका है किसके पास, यस एग्जैक्टली, हमारे होलसेलर के पास, और होलसेलर का दायरा ये है, होलसेलर का दायरा ये वाला है, होलसेलर ने इतने में खरीदा था लेकिन ये टैक्स भी पे करे, नेट उन्होंने इतनी पेमेंट करी। आइए ऊपर से मिटा देता हूं, ये हमारा क्लियर हो गया, इसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया है, ठीक है। अब इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, ये जरूरी चीजें हम यहां पे लिखी रहने देंगे, ठीक है। अब यहां पर होलसेलर W, ठीक है, इनकी जो कॉस्ट थी वो 7,00,000 बनी थी सेलिंग प्राइस इनका, लेकिन इन्होंने सीजीएसटी 84 पे करा, ठीक है, 84 ही था ना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं थी कहीं, भूल चूक लेनी देनी अगर हो जाए तो, प्रोसेस समझना बस आप। सीजीएसटी भी 84 पे करा था, और टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू इनके लिए 868,000 थी, ठीक है। अब मिटा दो इसको, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हमने एक्स मिस्टर डब्ल्यू की जो खरीदारी है वो लिख ली, अच्छा जी। तो इन्होंने पे कितना करा सीजीएसटी, ये 84,000 अभी तक पे कर चुके हैं, ये 84,000 पे कर चुके हैं, ये इनका इनपुट टैक्स है, ठीक है। अब इनकी बिक्री की बारी आती है, हाँ जी, कॉस्ट बताओ मिस्टर डब्ल्यू, अपनी कॉस्ट बताओ। सर मैंने 868 पे करा था, नहीं, कॉस्ट बताओ जितने का दाम बनता था, ये आपने पे करे साइड रख दो, इसका बेनिफिट मिलेगा आपको, अच्छा जी ठीक है। कॉस्ट ही आ गई, आपने प्रॉफिट कमाया 30%, ओहो बैठे बिठाए 30% प्रॉफिट, 210,000, ठीक है भाई, टोटल बता कितना है फटाफट से सेलिंग प्राइस तेरा। सर ये हो जाता रिटेलर के पास जाएगा ये, और ये हो जाता है 9,10,000 रुपए, अच्छा तो यही कलेक्ट करोगे, नहीं, इस पे सीजीएसटी और इस पे एसजीएसटी भी तो कलेक्ट करना है, कितना रेट है आपका भी 12% है भाई यहां पे, ठीक है। सो वी हैव 9,10,000 का 12%, इट्स 1,09,200, ठीक है, दोबारा कर लूं कभी गलत हो जाए, तुम तो आ रहे भट्टो है ना, मेरे को तो कैलकुलेटर से करना पड़ता है, सेम आ रहा है कैलकुलेटर से ही है मेरा, ठीक है।
400, ये 8, ये 1 कैरी हुआ और ये 2 और 11,28,400, ये भाई साहब से कलेक्ट कर लेंगे, किससे? रिटेलर से। सामान पहुंच गया आर के पास, ठीक है, ये आर तक पहुंच गया, ठीक है। अब लेकिन ये मसाला क्या है, आउटपुट टैक्स ये इन्होंने पे कर दिया था, कलेक्ट कितना करा, कलेक्ट भाई साहब ने करा है, कलेक्ट भाई साहब ने करा है 1,09,200, 1,09,200। हमेशा ऐसे कॉलम बना लो, ये तो मिस्टर एक्स के लिए था, अब होलसेलर साहब के लिए ये हटा दो, कॉलम तीन ही बना के चलो दोस्तों, अभी आप ये जो मैंने आपको लिखाए हैं CGST, SGST, IGST, अभी मतलब जब इंटरस्टेट वाले क्वेश्चन करेंगे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आओ, आउटपुट पे कितना बनता है, सर यहां पे इन्होंने इतना कलेक्ट करा है, ऑब्वियसली ये भी इतना ही कलेक्ट होगा, ये तो अभी नहीं है, ये कलेक्ट करा है कुछ, वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, दैट इज व्हाट 84,000, दैट इज व्हाट 84,000। अच्छा जी, तो जो बैलेंस निकल के आता है, जो गैप निकल के आता है, वो इनको पे करना पड़ेगा, माइनस 84, जो पेबल नेट पेबल आता है 25,200 इस नेट CGST पेबल, और 200 इज SGST पेबल, जो अमाउंट निकल के आया। क्लियर, ये हमने बात करी मिस्टर W के लिए, प्रोसेस आपका बढ़ा, ठीक है। इनको इतना टैक्स पे करना है, मान लीजिए ट्रांजैक्शन हम फरवरी माह के लिए कर रहे हैं तो 20 मार्च तक ही जमा हो जाना चाहिए, 20 मार्च तक ही जमा हो जाना चाहिए, ठीक है। अन्यथा ऑब्वियसली जो कितना, यस 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा पर एनम के हिसाब से फॉर द पीरियड डिले। क्लियर, अब सामान पहुंच गया है मिस्टर आर के पास, अब कैलकुलेशन बढ़कर पहुंच जाती है आर के पास, ठीक है। आर की बात करें दोस्तों, तो आर के लिए ये दायरा था, ये दायरा था कि जब शॉप पर गए तो उनको मिस्टर W ने बताया था कि जी 9,10,000 रुपए का है, लेकिन आपको जो ऑब्लिगेशन है टैक्स का वो भी तो पे करना पड़ेगा, और टोटल जो अमाउंट पे करा 11,28,400, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, होप ये भी आपने कर लिया होगा, मैं मिस्टर W का जो इनपुट था वो हटा देता हूं, ठीक है, क्लियर, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, होप आपने नोट कर लिया होगा कंप्लीट, ये लीजिए। सुनाओ, ये कॉस्ट थी मिस्टर आर, बोल भाई तेरे कितने पैसे पे करे, क्या खर्चा था तुम्हारा? सर 11,00,000। अबे 11,00,000 क्यों बोल रहा है, कॉस्ट बता, ये टैक्स जो है आपका जो पे करा इसको भी साइड रख दे, तेरे को इसका बेनिफिट हम देंगे, ठीक है, चलो 1,09,200 इसको भी साइड रख जरा फटाफट से, ठीक है। अब कॉस्ट बताओ, सर कॉस्ट तो बनी 1,10,000 की, अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, ये भी कह रहे हैं मैं भी 30% तो कमाऊंगा बैठे बैठाए, तो 30% निकाल लो, 2,73,000, अच्छा जी, सो 3,000,008 और ये हो गया 11, ठीक है, 1183, और ये आ गई जी जो सेलिंग प्राइस था। ऑब्वियसली इस पर भी इन्हें कलेक्ट करना पड़ेगा GST, सेंट्रल का, मोदी का, योगी का, योगी का, अरविंद जी, अलग अलग स्टेट के अपने अपने, ठीक है। सो 1183 का 12%, राइट, 12 है ना, हाँ, 141,960 जोड़कर अमाउंट पेबल आ जाएगा, जोड़ लेना, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं मुद्दे पर आ रहा हूं सीधा, ठीक है। इन्होंने इतना टैक्स पे करा था, इतना कलेक्ट करा है 141,960, टेबल पे आ जाएंगे, 141,960 आउटपुट बनता है सेंट्रल और स्टेट के लिए ईच। उसके बाद इनपुट जो ये ऑलरेडी पे कर चुके थे 200, ये अमाउंट आ गया, क्लियर, माइनस कर दीजिए, नेट टैक्स पेबल आ जाएगा GST जो पे करना है, दैट्स 32,760,
ये सिनेरियो हमारे सामने दोस्तों कैलकुलेशन का है कि किस तरह से प्रोसेस कैलकुलेशन आपकी चलती है जीएसटी के अंदर, कि दायरा किस तरीके से आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो होप आप लोगों को ये चीज़ डेफिनेटली क्लियर हुई होगी किस तरह से जीएसटी की कंप्यूटेशन फर्दर वे में बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों काफ़ी सिंपल हुआ, ठीक है ना, एक सिनेरियो में। अब स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मिस्टर एक्स ने जो रॉ मटेरियल परचेज करा है 3 लाख का, ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस उन्होंने पे करी, वही गुड्स आपका आगे चला। मान लो मिस्टर एक्स एक गुड बना रहे हैं और मिस्टर एक्स को उस गुड को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल से काम नहीं चलेगा, उनको 2-3 तरह के रॉ मटेरियल परचेस करने पड़ते हैं, यानी कि गुड एक्स गुड वाई गुड जेड, मतलब अलग अलग तरह का रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ता है। तो खरीदे बहुत सारे, अलग अलग पर अलग अलग रेट के हिसाब से जीएसटी पे करा होगा, ठीक है, और बेचा ऑब्वियसली एक उसका अपना होगा। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, इन शॉर्ट अभी तो हमने कैलकुलेशन का दायरा देखा एक सिंगल गुड के लिए, एक सिंगल प्रोसेस के लिए। लेकिन मान लीजिए कि जो आपकी शुरुआत है वो मल्टीपल गुड्स से होती है, तो उस सिनेरियो में, उस स्ट्रक्चर में जीएसटी की कैलकुलेशन का क्या दायरा होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, समय की महत्वता को देखते हुए क्वेश्चन हमने लिख लिया है, ठीक है, और यहां पर हम देखें तो मिस्टर जेड की जो डिटेल है वो हमें दी हुई है। क्या कहानी कहती है, मिस्टर जेड जो है 3 गुड्स उन्होंने परचेस करे, ए बी और सी। जो गुड ए है 1 लाख रुपए का खरीदा, उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी 5-5% पे करा, और फिर उन्होंने इसको सीधा बेच दिया, ये गुड ए सीधा बिक गया 30% ऑन कॉस्ट के प्रॉफिट्स में, ठीक है, और वहां पर उन्होंने जो सीजीएसटी आपका 6% है, एसजीएसटी 6% आपका पे करा है, ठीक है, ये जो रेट्स हैं मैं एज्यूम कर रहा हूं अपनी तरफ से, स्पेसिफिक क्या टैक्स के हिसाब से उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूं। गुड बी उन्होंने खरीदा 2 लाख का, गुड सी भी खरीदा 2 लाख का, चलो अमाउंट थोड़ा चेंज कर लेते हैं दोनों का, अलग अलग कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, 3 लाख कर देते हैं इसको, ठीक है, दोनों पर उन्होंने 9% के हिसाब से सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करा, सी कॉमा एस 9% ईच, मतलब ओवरऑल 18% हो गया, शॉर्ट में हमने लिख लिया। इन गुड से मिलकर उन्हें गुड बनाना है, प्रोसेसिंग का 1 लाख रुपया और खर्च हुआ, और वो कंबाइंड गुड जो है वो उन्होंने बेच दिया है 20% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट पर, ठीक है, 20% ऑन कॉस्ट का प्रॉफिट उन्होंने चार्ज कराया उस गुड पर, उस फिनिश गुड पर, यहां पर फिनिश गुड जो बनकर आया, ठीक है, उस पर सीजीएसटी 12%, एसजीएसटी 12% लागू हुआ है। हमें इनकी जो आउटपुट लायबिलिटी, सॉरी टैक्स लायबिलिटी है, जीएसटी की लायबिलिटी है, वो कैलकुलेट करनी है। आइए देखिए दोस्तों किस तरह से होगा। पहले तो मैं चर्चा कर लेता हूं गुड ए की, ठीक है, गुड ए में जो कॉस्ट थी वो है 1 लाख, जो उस पर उन्होंने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करा है वो 5% के हिसाब से है, तो 5,000 और 5,000, ठीक है जी, ओ सॉरी नॉट माइनस, ये तो ऐड हो रहा है, ठीक है, सो टोटल अमाउंट इज 1,10,000, ओके। फिर आपने इसको बेचा, सोल्ड करा, आपकी कॉस्ट क्या है बताइए, कॉस्ट ये नहीं लेंगे, इसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख हम लेंगे, 1,10,000 से मतलब नहीं है। फिर आपने प्रॉफिट इसमें अपना ऐड करा है 30,000, 1,30,000, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इस पे ओके, ठीक है, प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी जो कि 6% बता रहा है 6% है, यस एग्जैक्टली, आइए जोड़ देते हैं तो 1,45,600, ठीक है। यहां पे दोस्तों हमने गुड एक्स को पूरा करा, सॉरी गुड ए को पूरा करा, जो इसका इनपुट था इनपुट टैक्स वो लिख लेते हैं, सी सेंट्रल को पे करा 5,000, सॉरी सेंट्रल था जो सेंट्रल को पे नहीं करा इसने, इन्होंने सप्लायर को पे करा, उसमें सेंट्रल का था 5,000 और स्टेट का था 5,000, ठीक है। आउटपुट सेलिंग के टाइम पर जो उन्होंने कलेक्ट किया दैट इज 78, ये गुड एक ही बात हो गई। अब प्रोसेसिंग का अलग खेल था, ठीक है, गुड बी और गुड सी का आइए पहले से कैलकुलेट कर ले। गुड बी
गुड सी, कॉस्ट 2 लाख, 3 लाख, और इसमें फिर ऐड करेंगे सीजीएसटी, ऐड करेंगे आप एसजीएसटी, 9% है तो 18,000, इट्स 2,36,000, ओके, ये टोटल वैल्यू आई। एंड यहां पर भी ऑब्वियसली 9% है, गुड सी में भी 9% है, तो 9% हो जाता है कितना, 27,000, इट इज 3,54,000, ठीक है। तो ये इनका इनपुट टैक्स पूरा का पूरा आ गया है, यहां पे लिख लेते हैं, चलो एक ट्रांजैक्शन पहले पूरी कर ले फिर कर लेते हैं। अब यहां पर इन्होंने ऑब्वियसली इन दोनों गुड से एक गुड बनाया और उसको फिर एज अ फिनिश गुड भेजा। नाउ अब हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल के टाइम पर जरा मुझे कॉस्ट बता दीजिए कितनी। अब कॉस्ट ये दोनों जुड़ जाएंगी ना, टैक्स से मतलब नहीं है, कॉस्ट बताइए 5 लाख, इसमें अपनी प्रोसेसिंग जो आपने खर्च करी 1 लाख रुपए की वो ऐड करिए, 6 लाख, अपना प्रॉफिट मार्जिन 20% आप लेके चल रहे हैं प्लस प्रॉफिट 1,20,000, तो सेलिंग प्राइस जो बनता है वो 7,20,000 का बनता है, लेकिन देन अगेन सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है, ये सिलसिला हमारा यहां पर आया, 12% बता रहे हैं, तो 7,20,000 का आपने 12% कैलकुलेट करा, इट इज 86,400 एंड 86,400, तो ये अमाउंट निकल जाएगा जो पर्टिकुलर सप्लायर को पे करना पड़ेगा, ठीक है, वो आप निकाल लेंगे। ये ट्रांजैक्शन हमारी पूरी हो गई। अब जरा इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब से जो टोटल टैक्स पेबल बनता है जरा वो निकाल लेते हैं। दोस्तों मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर पहले सीजीएसटी, फिर आईजीएसटी, और उसके बाद आपका सॉरी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, आईजीएसटी तो है ही नहीं, हमें इन दोनों से मतलब है, ठीक है। सो यहां पर सबसे पहले तो आउटपुट टैक्स आपने कितना पे करा दोस्तों, स्पेसिफिकली गुड्स को अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, टोटल जितना पे करा वो बताओ, सॉरी टोटल जितना आउटपुट टैक्स कलेक्ट करा वो बताओ। यहां पर 78 कलेक्ट करा था, यहां पर ये 86,400 कलेक्ट करा है, टोटल बोलो कितना है, 86,400 प्लस 7,800, इट्स 94,200। ऐसे ही एसजीएसटी बताओ, ऑब्वियसली सेम होएगा, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट 94,200, ये वैल्यू आ गई, क्लियर। अच्छा इनपुट कितना पे कर चु, मतलब इनपुट आपने कितना पे करा है, इनपुट टैक्स यहां पर सीजीएसटी की बात हो रही है, एक तो ये 5,000 पे करा था, एक ये 18 था और एक ये 27 था, तो मुझे टोटल जोड़कर बता दीजिए ये 50,000 बनता है। ऐसे ही स्टेट का बता दो, एक ये 5 पे करा था, एक ये 18 पे करा है, एक 27 पे करा है, हमने ये वाली टेबल नहीं बनाई इनकी, डायरेक्टली ऐड कर लिया, ये भी 50 बनता है। तो आपको जो नेट पेबल अमाउंट है आपका वो आता है कितना, दैट इज व्हाट, माइनस कर दीजिए, इट्स 44,200, इट्स 44,200 दोस्तों, ये नेट टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी मिस्टर जेड की, ठीक है। अगर इन केस हमारे सामने कई सारे गुड्स का सिलसिला आ जाता है तो हमें कैलकुलेशन इस प्रकार करनी है, ठीक है, होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये हमने बात करी किसकी, कि अगर पर्टिकुलर जो पहले वाला केस किसका था, सिंपल था, वो एक गुड था उसकी चेंज बनती हुई चली जा रही थी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें कि मतलब एक पर्टिकुलर बायर सप्लायर है मैन्युफैक्चरर है व्हाटएवर, वो कई सारे गुड्स खरीदता है आपके बनाकर बेचता है कंबाइंड करके अलग अलग, तो उसकी कैलकुलेशन इस तरह से होगी। स्पेसिफिकली अलग अलग गुड्स को करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग गुड्स को करने की जरूरत नहीं है, टोटल जितना आया जोड़ो माइनस करो, दैट्स इट, आपका नेट पेबल आ जाएगा, क्लियर।
समझ आ गया दोस्तों? तो यहां पर इसको हम जरा हटा देते हैं यहां से, ठीक है? होप ये कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसमें दोस्तों जैसे मैंने बोला ना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। हालांकि ये चीज मैं रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। ये मिस्टर जेड थे ना, मिस्टर जेड ने ये गुड खरीदे, ठीक है, मान लो इनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को पहले तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा ना उन्होंने, तो इन्होंने आपका जीएसटीएन नंबर ले रखा होगा, जीएसटी का जो इनवॉइस नंबर है वो ले रखा होगा अपनी फैक्ट्री के लिए, और उसी के हिसाब से कैलकुलेशन हुई है, ठीक है। मिस्टर एक्स का एक मैन्युफैक्चरिंग का काम है और एक इनका सर्विस का काम है, मतलब दूसरा दो काम है इनके, दो बिजनेस है, एक मैन्युफैक्चरिंग का, एक सर्विस का, कोई भी सेक्टर। ये आपस में मेल नहीं खाते, आपको कितने मिस्टर जेड दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, बताइए? यहां पर मुझे दो मिस्टर जेड दिखाई दे रहे हैं। इनको इसके लिए अलग नंबर लेना पड़ेगा, इनको इनके लिए अलग नंबर लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है, आप जो काम कर रहे हो, चाहे वो अलग अलग किस्म का कई काम है, लेकिन अगर वो गुड्स आपस में रिलेटेड है, काम रिलेटेड है, ठीक है, तो आप एक जीएसटी नंबर लेंगे और जैसे कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी अभी, सारा जोड़ दो माइनस कर दो, उस तरीके से होगा। लेकिन अगर आपके दो डिफरेंट डिफरेंट काम है ना, ठीक है, तो आपके दो अलग अलग बिजनेस है और आपस में उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता, आपको दो अलग अलग जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे दोस्तों, और दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग पे करनी होगी, अलग अलग कैलकुलेट करनी होगी। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका सीजीएसटी पेबल आ रहा है, मान लीजिए 5,000 रुपए, ठीक है, और यहां पर जो सीजीएसटी है वो आ रहा है माइनस में आ रहा है 1,000 रुपए, रिफंड बनता है, तो ये क्लब नहीं हो सकता, ये आपको अलग अलग सेपरेटली ही जमा कराना है। दो अलग अलग बिजनेस अकाउंट होंगे, दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग होगी। ये मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए प्रोसेस अलग फॉलो करना पड़ेगा, ये इसके साथ मिलेगा नहीं, क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा, ऑल दो इसको हम इन डिटेल में रजिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीजें नॉलेज के तौर पर हमें मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर हमने सिनेरियो देखा कि भाई किस तरह से जीएसटी की कैलकुलेशन आपकी होगी और किस तरीके से हम जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो हम करते हैं। आइए अब दायरा बढ़ाते हैं और अपने काम को हम लेके जाते हैं अपनी स्टेट से बाहर, ठीक है, सो नाउ फ्रेंड्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई ये अगर विद इन दी स्टेट आपने सेल परचेज ट्रांजैक्शन हुई है तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई हो जाता है, एक पर्टिकुलर रेट। इन केस ऑफ माय फ्रेंड्स इंटर स्टेट सप्लाई सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, एप्लीकेबल क्या होता है आपका आईजीएसटी, क्या एप्लीकेबल होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके ऊपर अधिकार होता है, ठीक है, हालांकि रिफंड के जरिए कई कुछ तरीके से एक प्रोसेस से वो हम आगे समझेंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाता है उनकी हिस्सेदारी, लेकिन आप प्राइमरी जो इंपैक्ट है वो किसका देखेंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का देखेंगे, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ठीक है, इसका दायरा कैसे बनेगा, कैसे ये दूसरी चीज दूसरे टैक्सेस के साथ क्लब होता है, मिलता है, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हम शुरू करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, जो कंसेप्ट है हमें वो एग्जाम्पल के थ्रू ही करना है, ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन यहां पर लिख लिया है इंटर स्टेट सप्लाई के लिए, आइए देखते हैं कैसे होता है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम एमपी, मध्य प्रदेश से उन्होंने खरीदा, दिल्ली के हैं, ठीक है भाई, मिस्टर ए दिल्ली के हैं, रजिस्टर्ड आपके यहाँ पर जीएसटी में, वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, और एमपी से उन्होंने सामान खरीदा 5,00,000 रुपए का, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गई है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुई है, तो यहाँ पर अच्छा ओके दोस्तों मैं बार बार वर्ड्स में बोल रहा हूँ ना कि ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गई है, जहाँ गुड्स सप्लाई हुए हैं, जहाँ गुड्स सप्लाई, यस द वर्ड सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये अभी सप्लाई का मतलब अभी आप समझना सेल, दैट्स इट, जो खरीदे या बेचे गए हैं सेल समझेंगे, सप्लाई इन डिटेल हमें पढ़ना है। टैक्स के जीएसटी के अंदर सप्लाई का एक पूरा ही कंसेप्ट है कि एक्चुअल में सप्लाई क्या होता है, इको में पढ़ा सप्लाई हमने, जी सामान बेचने के लिए रखे हैं वो सप्लाई है, नहीं यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सप्लाई का दायरा बहुत बड़ा है, अभी इंटर स्टेट सप्लाई, सप्लाई मतलब सेल समझेंगे, ठीक है, सेल परचेज जो है, दैट्स इट, चैप्टर के अंदर समझेंगे उसका पूरा दायरा क्या है।
सो मिस्टर ने परचेज गुड्स फ्रॉम एमपी मध्य प्रदेश से खरीदा 5 लाख रुपए। अब क्योंकि इंटर स्टेट है तो यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी ना लग के आईजीएसटी लगा है, 18% का उन्होंने टैक्स पे करा। ओके, एंड सोल्ड देम इन दिल्ली, दिल्ली में 1 लाख के प्रॉफिट पर उन्होंने बेचा है और वहां पर सीजीएसटी 12% और एसजीएसटी आपका डेफिनेटली 12% लगा है। मैंने बोला दिल्ली, हाँ तो दिल्ली अगेन स्टेट, इट्स नॉट यूनियन टेरिटरी। ओके, मतलब जीएसटी के हिसाब से हमें टैक्स जो पेबल है वो निकालना है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉस्ट है वो 5 लाख हो गई, ठीक है, प्लस आईजीएसटी, इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, 18% 90,000 टोटल 5,90,000 आ गया। सो एज पार्ट ऑफ इनपुट टैक्स इन्होंने आईजीएसटी पे करा है दोस्तों, जो कि 90,000 है। आगे नाउ, अब मेन सेल की बात करते हैं। कॉस्ट कितनी आपकी, नॉट 590 दे ट्रांजेक्शन वैल्यू, 5 लाख, 5 लाख प्लस सीजीएसटी, नहीं सॉरी, पहले तो प्रॉफिट है ना, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी इनका। ओके जी, 1 लाख का प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया, ये 6 लाख आया। सेलिंग प्राइस प्लस सीजीएसटी, पुराना वाला खेल, एसजीएसटी, ये दोनों 12-12% है, सो 12% इज 72। टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा जो बायर के लिए उन्हें कलेक्ट करना है, जोड़ दीजिए 7,44,000 वट एवर जो भी है, ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा 72,000 प्लस 72,000 प्लस 6 लाख, हाँ ठीक है, 7,44,000 ये हो गया जी, ठीक है। ओके, अब यहां पर आउटपुट के टाइम पर आईजीएसटी नहीं था, सीजीएसटी और एसजीएसटी थे। सो सीजीएसटी 72,000, एसजीएसटी 72,000। ओके, ये ट्रांजैक्शन हो गई। आइए जो टैक्स पेबल है जरा वो निकालते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी इसका टेबल बनाना बताया था, आप यहां पर लिखिए सीजीएसटी, सेंट्रल का कितना बनता है, एसजीएसटी स्टेट का कितना बनता है, और इस बारी दायरा आईजीएसटी का भी आ गया है। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट टैक्स तो आउटपुट बचा है, कलेक्ट करा है 72,000 का और 72,000 का, स्टेट से बाहर सेल नहीं हुई है तो ये नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली एक गुड था वो कंट्री, मान लो ऐसा होता ना कि भाई दिल्ली में आधे बेचे, आधे दिल्ली से बाहर बेचे, तो जो दिल्ली में बेचे उनका ये दोनों होते, जो दिल्ली से बाहर बेचा उसका आईजीएसटी होता। करते हैं अभी क्वेश्चन आगे। ऐसा इनपुट क्रेडिट इनके पास कितना पड़ा है, इनपुट टैक्स कितना पड़ा है, जो इसका फायदा लेना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो ये नहीं पड़ा है, वो 90,000 का ये पड़ा है। सो इनको 72,000 ये पे करना है, ठीक है, 72,000 ये पे करना है, 72,000 ये पे करना है और 90,000 ये लेना है, 90,000 ये लेना है। सर ये क्या 72 वही 90,000 लेना, क्या करें, इसको एडजस्ट तो करिए। यस माय फ्रेंड्स, ये इस 90 में से पहले आप एडजस्ट करेंगे, घटाएंगे 72,000 ऑफ सीजीएसटी, ठीक है, क्लियर, ये निल हो गया। एसजीएसटी 72,000 बचा है, इसमें 18,000 बैलेंस रह गया क्योंकि 90 में से 72 यहां एडजस्ट हो गया। अब ये 18 इसमें एडजस्ट हो जाएगा 18,000 और नेट
ये भी जीरो, ये भी जीरो, नेट ये पे करना है 54,000. सो नेट टैक्स लायबिलिटी जो पेबल है मिस्टर ए के लिए, वो उन्हें सिर्फ एसजीएसटी पे करना है 54,000. सेंट्रल और आईजी ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है. ठीक है, मैं इसको इस तरह से तो अब नहीं करोगे. ठीक है, प्रॉपरली कैसे लिखना है इसको मैं बता दूं. पहले आईजीएसटी में अगर आपके पास कुछ क्रेडिट पड़ा है, अब इसका टेबल बनवाता हूं. पहले आईजीएसटी में जो आपके पास कुछ क्रेडिट बचा है वो आपका एडजस्ट होगा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से, और अगर कुछ बच गया है, अगर कुछ बच गया है तो फिर वो एडजस्ट होगा सेंट्रल से, ओ सॉरी स्टेट से. तो हमने यहां पे देखा इस तरीके से 90,000 एडजस्ट हो गया. ये कुछ नहीं बचा, ये नहीं कुछ, ये कुछ नहीं बचा. 54,000 का मिस्टर ए को स्टेट जीएसटी पे करना है. ठीक है, सो दैट इज द क्लबिंग ऑफ द आईजीएसटी अमंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. किस तरीके से क्लब होकर वो नेट टैक्स लायबिलिटी, ये नेट टैक्स लायबिलिटी है, ये नेट टैक्स लायबिलिटी है. इस तरह से हम आपस में जो कोलैबोरेशन है इनका करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मैं एक टेबल आपको बता देता हूं. टेबल आपको, इसको मैं यहां ये मिटा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं यहां से. ठीक है, ठीक है. अगर अगर हमारे पास कोई भी क्रेडिट है, क्रेडिट अवेलेबल है, इसे इन मतलब इनपुट का इनपुट क्रेडिट है, चलो पूरा लिख लेते हैं. अगर कोई हमारे पास इनपुट क्रेडिट है किसका, आईजीएसटी का, आईजीएसटी का, तो वो एडजस्ट होगा इस ऑर्डर में, एडजस्ट होगा इस ऑर्डर में. पहले वो आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा. मान लीजिए यहां पे 90 था, कोई और गुड था, कोई और स्टेट थी. ठीक है, वहां से आपका पे करना था मान लो 20,000, तो पहले वहां एडजस्ट होता. ठीक है, पहले आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा, उसके बाद सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा, और फिर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के साथ. ये ऑर्डर है. ठीक है, पहला केस, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास पड़ा हुआ है सीजीएसटी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि वही नेगेटिव में जो आ रहा है, हमारे बेनिफिट जो मिल रहा है, वो पहले एडजस्ट होगा सीजीएसटी के साथ, फिर एडजस्ट होगा आईजीएसटी के साथ. दैट्स इट, दैट्स इट सर. ये रह गया ना यूटीजीएसटी. दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रोहिबिटेड है, ये प्रोहिबिटेड है, ये अलाउड नहीं है. सर ये अलाउड नहीं है का मतलब, मान लो ये स्टेट होती मेरे पास, मान लो ये स्टेट होती, आउटपुट ये और इनपुट ये. ठीक है, मान लो यहां पर मेरे पास टोटल ओवरऑल ट्रांजेक्शन करके जो इनपुट टैक्स था सीजीएसटी का, मैंने ट्रांजेक्शन वाइज करके, हालांकि एक अनकॉम्प्लिकेटेड सा है पर ठीक है, पर समझ लेते हैं. मान लो जो इनपुट टैक्स है ये 80,000 रुपये आया. ठीक है, और ये हो गया क्या नाम है आपका 70, इसको 50,000 कर लेते हैं. ठीक है, 50,000 माइनस करना है, तो यहां पर सर ये नेगेटिव में आ रहा है 8,000, और ये 22,000 आ रहा है. ये एडजस्ट कर दो ना इसके साथ, नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है. ये 22,000 जमा करना पड़ेगा आपको, 22,000 जमा करना पड़ेगा. ये 8,000 आपका क्रेडिट है, आप गवर्नमेंट से रिफंड लेंगे अलग प्रोसेस से, या फिर अगले महीने एडजस्ट करेंगे. ये इसके साथ क्लब होकर 14,000 रुपए, नहीं ऐसा नहीं है, ये चीज आपकी परमिटेड नहीं है. तो ऑब्वियसली सेम मैनर में, सेम मैनर में एसजीएसटी पहले एडजस्ट होगा अपने घर के साथ, फिर एडजस्ट होगा पड़ोसी के साथ. लेकिन जैसे इसने मना कर दिया ना सीजीएसटी, ये परमिटेड नहीं है, ये परमिटेड नहीं है. अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ, ओके. ये मतलब थर्ड का आपका, आपका यूटीबीएस के अंदर. ठीक है, इसके अंदर यूनियन टेरिटरी भी है. तो स्टेट और सेंट्रल अपने साथ पहले, फिर इंटीग्रेटेड के साथ, दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं होंगे, इंटीग्रेटेड ओवरऑल हर एक के साथ एडजस्ट आप कर सकते हैं. सो दैट इज द सिनेरियो फॉर इंटीग्रेटेड सप्लाई. ठीक है, ये हमने दायरा देखा किस तरीके से हमें एडजस्टमेंट करनी है. आईजीएसटी का 18% था, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता 9%, और वो ये सीधा सेंट्रल के पास जाता है. हाँ, सेंट्रल रिफंड बेसिस पर इसको आगे फॉरवर्ड करती है अगर स्टेट को इसका बेनिफिट चाहिए तो.
ठीक है दोस्तों, तो ये सिनेरियो हमने देखा, ये चीज मेन है, ये हमें मालूम होनी चाहिए किस तरह से एडजस्टमेंट जो है क्रेडिट की होती है आईजीएसटी या सेंट्रल की इस तरीके से। आइए दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ है, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन करेंगे, हमें सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड वी विल डन विद द कंप्यूटेशन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। ठीक है, थ्योरेटिकली आप पढ़ें, ठीक है, आपको कंटेंट आपको समझ आने लग जाएगा बेसिकली क्या है, लेकिन हाँ जो मेन चीज आपको मालूम होनी चाहिए दैट इज व्हाट कंप्यूटेशन। ओके, तो दोस्तों समय को देखते हुए हमने एक क्वेश्चन को और लिख लिया है, आइए समझते हैं। इसमें जो इंटीग्रेटेड और आपका विद इन द स्टेट दोनों कंसेप्ट कवर होंगे। एबीसी लिमिटेड परचेज, अच्छा एबीसी लिमिटेड सेम अगेन, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ओके, इन्होंने परचेज करा है क्या रॉ मटेरियल एक्स 2 लाख रुपए का, उस पर सी कॉमा एस मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी 10-10% ईच पे करा है, शॉर्ट टर्म ने लिखा है, आपको समझाना चाहिए। रॉ मटेरियल वाई उन्होंने परचेस करा 3,10,000 का, दैट इज आईजीएसटी 20%, मतलब ये दूसरी स्टेट से उन्होंने कहीं से खरीदा है, वट एवर कहीं से भी, लेकिन उस पर आईजीएसटी 20% उन्होंने पे करा है। कुछ सर्विसेज इन्हें लेनी पड़ी किसी इंजीनियर की, किसी अदर मैनेजर की, अदर डिपार्टमेंट की, उस सर्विस के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए पे करे और उस पर भी ऑब्वियसली जो टैक्स है वो लगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो 10% सेंट्रल एंड स्टेट। प्रोसेसिंग का 4 लाख रुपया और खर्च हुआ और टोटल कॉस्ट का 20% प्रॉफिट जोड़कर इन्होंने सारा का सारा सामान यूपी उत्तर प्रदेश में बेच दिया है और उस पर आईजीएसटी 20% का रेट जो है वो एप्लीकेबल हुआ है। आइए कैलकुलेशन देखें, शुरुआत करते हैं, पहले तो निपटाते हैं परचेस को। ठीक है, तो यहां पर मिस्टर, मैं बात कर रहा हूं रॉ मटेरियल एक्स, रॉ मटेरियल वाई, सर्विसेज, इन तीन चीजों की, ठीक है, टेबल के थ्रू हो जाएगा। जो इनकी कॉस्ट है वो थी 2 लाख, इनकी है 3,10,000 और सर्विसेज थी 2 लाख की, प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी रिस्पेक्टिव जो भी हुआ। एक्स के लिए ये दोनों है 10-10%, तो 20,000 आईजीएसटी नहीं है। वाई के लिए आईजीएसटी है, ये दोनों नहीं है, कितना है 20% 62,000 और सर्विसेज के लिए विद इन द स्टेट थी तो 10% ये भी 20,000 रुपए 10% ईच, सेंट्रल का 10 स्टेट का 10, ये नहीं है। टोटल जो पे करा उन्होंने 2,40,000 3,72,000 और ये भी 240। ठीक है, क्लियर, ये दायरा हुआ। आइए जरा इनकी इनपुट की बात कर लेते हैं। तो इनपुट टैक्स इन्होंने कितना पे करा है, सी सीजीएसटी 20-20-40, स्टेट भी 20-20-40 और इंटीग्रेटेड 62,000। ये मेरा इनपुट के टाइम पे जो मिस्टर जो एबीसी लिमिटेड ने पे करा है उसके बारे में हमने यहां पे बात करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सेल की, मतलब आगे प्रोडक्शन की। तो इनकी नाउ अब कॉस्ट, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू टोटल हो गई, इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी आई, इन तीनों को जोड़ दिया हमने। ठीक है, आपका ठीक कॉस्ट जोड़ेंगे, इनको नहीं मतलब हम कर चुके हैं ये पहले, सो इट इज 7,10,000। ठीक है भाई, मैं तीनों को एक साथ जोड़ के लिख दिया, प्लस प्रोसेसिंग का हिसाब किताब हमने इसमें देखा, प्रोसेसिंग में 4 लाख रुपया खर्च हुआ, दैट इज 111,000। ये आपकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गई। ये कह रहे हैं हम प्रॉफिट कमाएंगे कितने का, 20% ऑन कॉस्ट। कैलकुलेशन सही है, कोई गलत तो नहीं भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। 2, 2, 4, 3, 7, 10, 7, 10 और 4, 11। ठीक है, भूल चूक लेनी देनी अदरवाइज। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20% था, हाँ यस, 222,000 ये बायर का अमाउंट आ जाएगा, टोटल करके आप निकाल लेंगे जो बायर से कलेक्ट करा होगा इन्होंने। ठीक है, मैं आता हूं मुद्दे पर और यहां पर मैं आउटपुट लिख लेता हूं। आउटपुट टैक्स कितना था,
आउटपुट टैक्स एक बनता है जो इंटीग्रेटेड है. ओके, आइए टेबल बनाएं, आइए टेबल बनाएं, ठीक है जी. नेट पेबल, ये हमारी कैलकुलेशन हो गई. अब टैक्स पेबल कैसे निकालना है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये आ गया. पहले आउटपुट बता दो भैया कितना पे करना है हमें. तो जी हमें पे करना है ना, सेंट्रल की लायबिलिटी बनती है क्योंकि हमने सामान बाहर पे करा है, ना स्टेट की. इंटीग्रेटेड है मेरे पास 2,22,000, 2,22,000, ठीक है. अब यहां पर मेरे पास इनपुट कितना पड़ा था, इनपुट टैक्स कितना पड़ा था जिसका मैं क्रेडिट लेना चाहता हूं? सर 40 पड़ा है सेंट्रल का, 40 पड़ा है स्टेट का, 62 पड़ा है आपका इंटीग्रेटेड इटसेल्फ. तो जब मैंने माइनस करा यहां पर तो 1,60,000 तो ये आ गया जो पे बनता है, लेकिन क्रेडिट बना है 40,000 और 40,000 का ऑलरेडी पड़ा है. क्या इस 1,60,000 में, क्या इस 1,60,000 में, ठीक है, आपका ये एडजस्ट हो सकता है? बिल्कुल. अभी हमने रूल पढ़ा था कि सेंट्रल स्टेट के साथ, स्टेट सेंट्रल के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते, लेकिन वो इंटीग्रेटेड के साथ एडजस्ट हो जाएंगे. तो ये दोनों अमाउंट आपके यहां पे चले गए, 80,000 माइनस हो गए. नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल 80,000, 40-40 करके, ठीक है. और 80,000 माय फ्रेंड्स टोटल टैक्स लायबिलिटी एबीसी लिमिटेड की आ जाएगी. तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरह से हमने जो तीनों का कंसेप्ट है सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉम्प्लीकेट यहां पे कंप्लीट किया है. क्लियर दोस्तों? क्योंकि फंड पड़ा था सेंट्रल आई के साथ हो सकता है, ठीक है, पहले खुद के साथ फिर आपका इंटीग्रेटेड के साथ, और स्टेट पहले खुद के साथ, अब खुद का तो नहीं था ना यहां पे कुछ, इंटीग्रेटेड के साथ वो एडजस्ट करेंगे. देन सीधी सी बात है, ऑब्वियसली बात क्या निकल के आती है कि भाई यहां पर नेट टैक्स लायबिलिटी 80,000 बनती है. होप ये कंटेंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है. एक क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन इसका और बनता है, आइए नजर डालते हैं उसकी तरफ. हाँ तो दोस्तों समय की बचत के लिए हमने एक क्वेश्चन और लिखकर तैयार कर लिया है. आइए क्वेश्चन देखते हैं. इंटरेस्ट रेट का जो कंसेप्ट है वो इसमें हम पढ़ेंगे, एक और कवर होगा. एबीसी लिमिटेड, ठीक है भाई, डेली रजिस्टर्ड है और परचेज करा है इन्होंने रॉ मटेरियल एक्स 2,00,000 रुपए का, और क्या कहते हैं इसका, आपका सेंट्रल स्टेट दोनों का 10% यानी कि 20% का आपका जीएसटी एप्लीकेबल हुआ. रॉ मटेरियल वाई खरीदा 3,10,000 का, आईजीएसटी 20% लग रहा है, ठीक है, मतलब ये सामान बाहर से खरीदा इन्होंने दिल्ली से. विद इन दिल्ली सर्विसेज चार्ज करी 2,00,000 रुपए की इन्होंने, सर्विसेज ली किसी से काम करने के लिए जो भी है, और इसे आपका 10% का इस पर ये भी एप्लीकेबल हुआ, 10% ईच. प्रोसेसिंग का 4,00,000 इन्होंने और खर्च करा, सामान बेचा 20% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट पे, और सोल्ड सारा का सारा उन्होंने यूपी उत्तर प्रदेश यानी कि दिल्ली से बाहर भेजा है, और ऑब्वियसली तभी आईजीएसटी एप्लीकेबल हुआ. आइए टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, ध्यान देंगे. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, पहले तो इनका जो इनपुट का मामला है वो देख लेते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट वाई, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, ठीक है, तीन आ गए हमारे सामने. इनकी जो कॉस्ट है जरा हमें वो बताइए. तो कॉस्ट हमें पता चलती है 2,00,000 की है, कॉस्ट हमें पता चलती है 3,10,000 की है, कॉस्ट हमें पता लगती है 2,00,000 की है. ओके जी, इसमें जोड़ देते हैं सीजीएसटी, जोड़ देते हैं एसजीएसटी, जोड़ देते हैं आईजीएसटी जहां जहां एप्लीकेबल होगा. तो एक्स तो सी और एस है, ये आपका 20,000 10% के हिसाब से, और ये 20%, इसका आईजीएसटी नहीं है. वाई बाहर से था तो 62,000 इनका आईजीएसटी लगा, ये इधर आ गया. सर्विसेज विद इन द स्टेट है तो सेंट्रल और स्टेट 10%, ये भी 2020 के हिसाब से आ गया, ये इसका नहीं है. सो 2,40,000 ये ट्रांजैक्शन वैल्यू आई होगी. इनका बनता है 3,72,000 और इनका बनता है 2,40,000, ये तो सेम ही हो गए, ठीक है. आओ इनपुट जो टैक्स है वो जोड़ के लिख लेते हैं, इनपुट टैक्स जोड़ के नहीं अलग अलग सॉरी. सी बनता है 20,20,40, स्टेट भी बनता है 20,20,40,
और इंटीग्रेटेड बनता है 62 जो कि y पे था. ये वैल्यू यहां पर आ गई दोस्तों. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब आते हैं बेचने पर. तो पहले तो अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं. कॉस्ट इन्होंने ये तो इनकर्ड कर ही दी है. ये टोटल बनती है 7,10,000. ये कह रहे हैं कि भाई प्रोसेसिंग का खर्चा और हुआ कुछ मेरा 4,00,000 रुपए का. जोड़ लो भाई, ये इनकी टोटल कॉस्ट आ गई 11,10,000 टोटल कॉस्ट. ये कह रहे हैं मुझे प्रॉफिट कमाना है 20%, तो 20% प्रॉफिट हो जाता है 222,000. और नेट सेलिंग प्राइस जो बनेगा वो इन दोनों को जोड़ लो, ये हो जाता है 13,32,000. दोस्तों ये सेलिंग प्राइस बना, यूपी बेचा है तो इंटीग्रेटेड आईजीएसटी इसमें 20% का चार्ज हो जाएगा. सो 13,32,000 का 20% ये 266,400 आ जाता है. ओके दोस्तों, ये बायर का प्राइस आ जाएगा, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं. तो इनका जो आउटपुट बना, जो आउटपुट टैक्स बना, बेचते टाइम टैक्स बना, ये सिर्फ आई है एंड इट इज 266,400. गॉट इट माय फ्रेंड्स? नाउ ये चीज क्लियर हो गई है. अब नेट टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं. टेबल जो मैंने आपको बताई थी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी. सीजीएसटी, एसजीएसटी और आपका आईजीएसटी, ठीक है, यहां पर आ गया. इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, कोने में ज्यादा जा रहा है. सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. ओके नाउ, अच्छा जी, आउटपुट कितना बना जा रहा है ये बताइए. सर आउटपुट तो एक का ही बना क्योंकि सारा सामान बाहर बेच दिया है, तो इसीलिए यहां पर कहां गया 266,400 का आपका ये अमाउंट आ गया. ओके जी, जय श्री राम. अब आगे इनपुट बताओ कितना कितना पड़ा है. सर 40 पड़ा है ये, 40 पड़ा है ये और 62 पड़ा था ये. ओके, नेट बताओ कितना. सर इसका क्रेडिट रहेगा 40 का, इसका क्रेडिट रहेगा 40 का और ये माइनस कर 204,400. ठीक है, 204,400, भाई भूल चूक लेनी देनी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो. ठीक है, ये बना. सर ये बनता है, इसका क्रेडिट पड़ा है 40 का, इसका भी कोई यूज नहीं हुआ, वो नेट आपका एडजस्ट हो गया 240 का. क्या करें, देखिए जरा टेबल जो हमने लास्ट बनाई, क्या सीजीएसटी आईजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है? यस सर, डेफिनेटली हो सकता है और पहले यही एडजस्ट होता है. क्या ये इसके साथ एडजस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों. नेट अमाउंट हमारा जो भी आएगा 2,04,400 माइनस दोनों 40,40,80,000, ये अमाउंट आ जाता है 1,24,400. दोस्तों ये टैक्स यहां पर पे करना पड़ेगा मिस्टर, मिस्टर नहीं कंपनी है एबीसी लिमिटेड को दोस्तों. दैट इज द टैक्स सिनेरियो फॉर द कंपनी, कि किस तरीके से हम क्लब करते हैं अपने रिस्पेक्टिव जो जीएसटी है उनको, सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से सेंट्रल. ये नहीं होता, ये नहीं होता, बाकी सब होता है, बाकी सब होता है. ठीक है, और ऑब्वियसली जो प्रोसेस है वो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखा था. ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. एक और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं. ठीक है, जो दायरा इसका बनता है, हालांकि ऑलमोस्ट हमने सारा का सारा कंटेंट इसमें कवर कर लिया है. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पूरी कैलकुलेशन हम रोक देते हैं, मैं एक आपको लास्ट सिनेरियो बता देता हूं. देखो जैसे मान लो यहां पर हमने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करा, ओके, और हमने टेबल बनाई है एसजीएसटी एंड इट्स आईजीएसटी, ये आपका आ गया. ठीक है, जो आउटपुट बनता है मान लीजिए ये बनता है कितने का, 40,000, चलो ये है ही नहीं, ठीक है, इसको साइड करते हैं. और इनपुट
आपका बनता है मान लीजिए 60 और 60 का, सर ज्यादा, हाँ जी ज्यादा बना है। कई बार हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर है जो बना रहा है, मतलब सीधी सी बात है प्रोडक्ट, वो खरीद रहा है प्रोडक्ट को और जो रॉ मटेरियल वो खरीद रहा है उस पर 12% या मान लीजिए 24%, ठीक है 24% है नहीं वैसे, चलो 18% मान लेते हैं, उसने 18% जीएसटी पे करा, तो खरीदा कितने पे? 18% पे। और जो वो सामान बनाकर बेच रहा है वो बिक रहा है 12% पे, 18% उसने यहां पे करा, 12% उसने कलेक्ट करा, तो उसने एक्स्ट्रा कितना पे करा हुआ? 6%। ठीक है, तो इसका मतलब उसका इनपुट ज्यादा है दोस्तों, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये फालतू टैक्स पे करा हुआ है, एक्स्ट्रा टैक्स पे करा हुआ है। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो दोस्तों चॉइस है आपके पास, बिजनेस चल रहा है इसे कैरी फॉरवर्ड करो और अगले महीने एडजस्ट करेंगे, और अगले महीने एडजस्ट करेंगे, या फिर दूसरा तरीका होता है अगर आप इसको क्रेडिट लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट से आपको इसे वापस लेना पड़ेगा, विद इन द 60 डेज ये आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ये मतलब ये सिनेरियो बस अगले क्वेश्चन में समझाना चाहता था, पर ठीक है कैलकुलेशन आपको क्लियर हो गई है। तो अगर नेगेटिव बैलेंस आ जाए तो उसे या तो आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए या उसे रिफंड करा लीजिए। ठीक है, आपका ये रिफंड 60 डेज के अंदर आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दैट इज व्हाट 6% पर एनम, दैट इज व्हाट 6% पर एनम। तो दोस्तों ये सिनेरियो था हमारे जीएसटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग का, कि जीएसटी होता क्या है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने अंडरस्टैंडिंग ली उसकी कंप्यूटेशन के बारे में। इंटीग्रेटेड जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट होते हैं वो प्रोसेस हमने देखा। प्लीज इस टॉपिक को रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम सिलसिला शुरू करेंगे और हम मूव करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरफ। किसकी तरफ? इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरफ। तब तक प्लीज ध्यान रखिए, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, टेक केयर।